नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है पेस्ट ऑफ कॉटन। आज हम कॉटन के पेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पेस्ट है स्पॉटेड बॉलवर्म। इसका साइंटिफिक नेम है एरिस मिटेला। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली है नॉक्टिडी और होस्ट है कॉटन, मैच, लेडीज फिंगर, वेरियस प्लांट्स ऑफ मालवेसी फैमिली। अब इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं। इसमें होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें जो फीमेल होती है वो फ्लावर बड, कॉटन बॉल्स या ग्रीन लीव्स पर रात के समय 200 to 600 एग्स देती है। 2 to 10 डेज बाद एग से लार्वा एमर्ज होते हैं। इसमें 5 लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं। लार्वा ब्राउनिश वाइट कलर के होते हैं और पूरी बॉडी पर ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये लार्वल पीरियड 8 to 20 डेज का होता है। अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें सिल्क के ककून के अंदर इसका डेवलपमेंट होता है। प्यूपल पीरियड 7 to 16 डेज का होता है और प्यूपल पीरियड फिनिश होने के बाद इससे फुली ग्रोन इंसेक्ट बाहर निकलता है, जिसका बॉडी कलर ब्राइट ग्रीन कलर का होता है और एब्डोमेन सिल्वरी वाइट होता है। पर ईयर इसकी 7 to 8 जनरेशंस होती हैं। अब ये डैमेज क्या करते हैं? द कैटरपिलर बोर द स्टेम ऑफ यंग सीडलिंग्स एंड फीड अपॉन द बड्स, फ्लावर्स एंड लेटर बोर द बॉल्स। लार्ज बॉल्स बियर होल्स प्लग्ड विद एक्सक्रीटा ऑफ वॉर्म्स। इसके कैटरपिलर्स स्टेम को बोर करते हैं और फ्लावर बड फ्लावर और बॉल्स पर फीड करते हैं। बॉल्स में बोर करने के कारण इसमें होल्स बन जाते हैं और इस होल को ये अपने एक्सक्रीटा से बंद कर देते हैं। अब इसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट प्लांट फ्रॉम द एरिया ऑफ कल्टीवेशन। जहाँ पर कॉटन की खेती होती है वहाँ से होस्ट प्लांट को नष्ट कर देना। बर्निंग ऑफ फॉलन कॉटन स्टॉक्स इन्फेस्टेड शूट्स एंड बॉल्स। जो भी इन्फेस्टेड कॉटन स्टॉक शूट या बॉल्स नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं उनको जला देना। स्प्रेइंग विद कार्बारिल एंडोसल्फान मेलाथियन। कुछ केमिकल्स जैसे कार्बारिल एंडोसल्फान और मेलाथियन का स्प्रे। यूज ऑफ एग पैरासाइट्स, लार्वल पैरासाइट्स, प्यूपल पैरासाइट्स एंड आल्सो लार्वा प्रेडेटर्स लाइक बग्स एंड वेस्ट। या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल में एग पैरासाइट, लार्वल पैरासाइट, प्यूपल पैरासाइट और लार्वा प्रेडेटर जैसे बग्स और वेस्ट का यूज करना। दूसरा पेस्ट है पिंक बॉल वॉर्म। इसका साइंटिफिक नेम है पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली है गैलेचिडी। होस्ट है कॉटन, मैच, लेडीज फिंगर, वेरियस प्लांट्स ऑफ मालवेसी फैमिली। इसमें होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें प्यूपा से एमर्ज होने के बाद फीमेल 3 डेज बाद मैटिंग करके 100 to 400 एग्स देती है। ये एग्स लीफ की लोअर सरफेस पर या बॉल्स में दिए जाते हैं। ये एग्स सिंगल भी हो सकते हैं और क्लस्टर्स में भी दिए जाते हैं। 4 to 6 डेज बाद इनक्यूबेट होकर के
इससे लार्वा निकलते हैं। इसमें 4 लार्वल इंस्टार्स पाए जाते हैं। ये लार्वल पीरियड 8 to 41 डेज का होता है। जो फुली ग्रोन लार्वा होता है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये वाइट कलर का होता है और बॉडी के अपर पार्ट में हर एक सेगमेंट में रेड कलर के डबल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बॉल्स के अंदर या सीड में या फिर सॉइल में प्यूपेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें ककून का फॉर्मेशन होता है और ये ककून लाइट ब्राउन कलर का होता है। प्यूपल पीरियड 6 to 20 डेज का होता है, जिसके बाद फुली मैच्योर इंसेक्ट एमर्ज होता है। इस इंसेक्ट का लाइफ स्पैन 2 ईयर्स का होता है। इसकी बॉडी डार्क ब्राउन होती है और फोर विंग और हाइंड विंग पर बहुत सारे ब्लैक कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। और पर ईयर इनकी जनरेशन 4 to 9 होती है। अब आता है डैमेज। द फर्स्ट इंस्टार कैटरपिलर बोर्स एंड अटैक्स फ्लावर बर्ड्स फ्लावर एंड बॉल्स। दे फीड ऑन सीड्स इंटरनली एंड सील द होल्स आफ्टर एंटरिंग द बॉल्स विद इन कॉटन सीड्स। दे मे अंडरगो डाइपर्स एंड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके जो फर्स्ट इंस्टार कैटरपिलर होता है वो फ्लावर बर्ड फ्लावर और बॉल्स को बोर करते हैं और सीड्स पर फीड करते हैं और कॉटन बॉल्स में घुस के उसके होल्स को बंद कर देते हैं। कॉटन का जो सीड होता है उसमें ये डायपर्स कंडीशन में चले जाते हैं, मीन्स इनमें डेवलपमेंट रुक जाता है और ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। कंट्रोल रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉलन कॉटन बॉल्स। गिरी हुई कॉटन बॉल्स को नष्ट कर देना। कॉटन सीड्स फ्यूमिगेटेड बाय मेथिल ब्रोमाइड। जब भी कॉटन सीड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो तो मेथिल ब्रोमाइड से इसका फ्यूमिगेशन होना चाहिए। स्प्रेइंग विद कार्बारिल एंडोसल्फान एंड फोजालॉन। कार्बारिल एंडोसल्फान और फोजालॉन से इसके स्प्रे करना चाहिए। थर्ड पेस्ट है कॉटन चेसेड, जो कि एक लीफ ओपर है। इसका साइंटिफिक नेम है एम्पोस्का डेवेस्टेंस। ऑर्डर है हेमिप्टेरा। फैमिली है सिसेडिलिडी। होस्ट है कॉटन पोटैटो ब्रिंजल लेडीज फिंगर एंड सेवरल मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। इसमें हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, मीन्स लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, एग निम्फ एंड एडल्ट। इसमें फीमेल लीफ की अपर सरफेस पर 20 to 40 eggs देती है, जिससे इनक्यूबेट होकर के 4 to 11 डेज बाद निम्फ एमर्ज होते हैं। इसमें 5 निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं। ये निम्फल पीरियड ऑटम में 7 डेज का और विंटर में 25 डेज का होता है। ये निम्फ पेल ग्रीन कलर के होते हैं। इसमें प्यूपा नहीं बनता है। ये निम्फ ही कुछ दिन बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एडल्ट भी पेल ग्रीन कलर के होते हैं। पर ईयर इनकी जनरेशन 11 होती है। डैमेज निम्फ्स एंड एडल्ट्स आर एक्सटर्नल फीडर्स एंड सक द प्लांट सैप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, ड्यू टू विच द फोटोसिंथेसिस एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स स्टॉप्स एंड the leaves dry up and fall down. इसके nymphs and adult दोनों ही damage करते हैं। ये leaf की lower surface से plant sap को suck करते हैं, जिससे
फोटोसिंथेसिस और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है और लीव्स सूख करके नीचे गिर जाती हैं। कंट्रोल कलेक्शन ऑफ निम्फ्स एंड एडर्स बाय लाइट ट्रैप्स। इसके निम्फ और एडर्ट लाइट के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए लाइट ट्रैप का यूज करके इनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। स्प्रेइंग विद एनी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स मीन्स जो कॉन्टैक्ट में आने पर बॉडी सरफेस के थ्रू एंटर करती हैं, और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रीडेटर इन द कॉलोनी ऑफ इंसेक्ट्स टू रिड्यूस द पेस्ट पॉपुलेशन, या बायोलॉजिकल कंट्रोल में इनके प्रीडेटर्स का यूज करना चाहिए। फोर्थ पेस्ट है कॉटन एफिड। इसका साइंटिफिक नेम है एफिस गॉसिपी। ऑर्डर है हेमिप्टेरा। फैमिली है एफिडिडी और इसका होस्ट है कॉटन, पोटैटो, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर एंड वेरियस मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। इसके लाइफ साइकिल में केस थोड़ा अलग होता है। इसमें जो फीमेल होती है वो विविपेरस होती है। ये एग्स नहीं देती है। ये पर डे 8 to 22 निम्फ प्रोड्यूस करती है। इसमें 4 निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं। निम्फल पीरियड 7 to 10 डेज का होता है। ये जो निम्फ होते हैं ये या तो ग्रीन होते हैं या फिर ब्राउन कलर के होते हैं। ये निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें विंग्स होते हैं और कभी कभी नहीं भी होते हैं, और एक साल में इनकी बहुत सी जनरेशंस होती हैं। डैमेज निम्फ्स एंड एडल्ट्स सक प्लांट सैप फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स कॉजिंग कर्लिंग ऑफ लीव्स एंड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। दे एक्सक्रीट हनी ड्यू ऑन द लीव्स इनवाइटिंग कल्चर ऑफ द ब्लैक मोल्ड विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। इसमें भी जो निम्फ होते हैं और एडल्ट होते हैं लीफ की लोअर सरफेस से प्लांट के सैप को सक करते हैं, जिससे लीफ कर्ली हो जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाती है। ये लीव्स पर हनी ड्यू सिक्रीट करते हैं, जिस पर ब्लैक मोल्ड ग्रो करती है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट करती है। कंट्रोल क्लीन कल्टीवेशन एंड रिमूवल ऑफ वीड्स। क्लीन कल्टीवेशन करना चाहिए और वीड्स का रिमूव होना चाहिए। सेकंड है स्प्रेइंग विद कार्बारिल 4-8 ग्रेन्यूल्स एंड एंडोसल्फान। केमिकल कंट्रोल में कार्बारिल 4-8 ग्रेन्यूल्स और एंडोसल्फान का यूज। मोस्ट प्रीडेटर फीड ऑन एफिड एंड रिड्यूस देयर पॉपुलेशन, और उन प्रीडेटर्स का यूज करना चाहिए जो एफिड पर फीड करते हैं। फिफ्थ पेस्ट है रेड कॉटन बग। इसका साइंटिफिक नेम है डिशडर्कस सिंगुलेटस। ऑर्डर है हेमिप्टेरा। फैमिली है पाइरोकोरिडी और होस्ट है कॉटन एंड सेवरल मेंबर्स ऑफ मालवेसी फैमिली। इसमें हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। मीन्स लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ एंड एडल्ट। इसमें फीमेल सॉइल के अंदर 100 to 150 एग्स देती है, जिससे 4 to 7 डेज में इंक्यूबेट होकर के निम्फ अराइज होते हैं। इसमें 6 निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं। इसका निम्फल पीरियड 30 to 90 डेज का होता है। ये निम्फ रेड कलर के होते हैं और विंगलेस होते हैं, और ये निम्फ एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। एडल्ट रेड कलर के होते हैं और इनके 4 विंग पर एक ब्लैक कलर का स्पॉट होता है। डैमेज निम्फ्स एंड एडल्ट्स सक द प्लांट सैप फ्रॉम द लीव्स शूट एंड बॉल्स
the lint is stained red, they introduce a bacterium Nematospora gossypii into balls, causing red staining of lints, besides depositing excreta. Nymph for adults, leaf, shoot और बॉल से प्लांट सैप को सक करते हैं और ये एक्सक्रीटा को डिपॉजिट नहीं करते हैं. ये कॉटन बॉल में एक बैक्टीरिया निमेटोस्पोरा गॉसिपी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे जो कॉटन के लिंट्स होते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं. कंट्रोल, किलिंग द निम्स एंड एडल्ट्स बाय हैंड पिकिंग, हाथ से उठाकर निम्फ और एडल्ट्स को किल कर देना. प्लोइंग द फील्ड टू डिस्ट्रॉय द एग्स, खेत जोत के एग्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए. स्प्रेइंग विद 7 मेथिल पैराथियन एंड हेप्टाक्लोर, 7 मेथिल पैराथियन और हेप्टाक्लोर का स्प्रे. यूज ऑफ प्रीडेटर्स टू रिड्यूस द पेस्ट पॉपुलेशन और प्रीडेटर्स का यूज. 6 पेस्ट है कॉटन वाइट फ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम है बेमिसिया टैबिकी, ऑर्डर है हेमिप्टेरा, फैमिली है एल्यूरोडिडी, होस्ट है कॉटन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल. इसमें हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है, मींस इसके लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट. इसमें फीमेल लीफ की लोअर सरफेस पर 20-43 एग्स देती हैं, जिससे समर में 5 डेज और विंटर में 33 डेज में इंक्यूबेट होकर के निम्फ निकलते हैं. इससे इसमें 3 निम्फल स्टेजेस पाई जाती हैं. 14-80 डेज का निम्फल पीरियड ये होता है. वैसे तो इसमें प्यूपा नहीं बनता है, लेकिन इसमें स्यूडो प्यूपा बनता है, मींस फॉल्स प्यूपा इसमें बनता है. और ये प्यूपेशन पीरियड 2-8 डेज का होता है, जिससे एडल्ट अराइज होते हैं. एडल्ट्स स्मॉल येलो कलर के होते हैं. 1 ईयर में इनकी 10-12 जनरेशंस होती हैं. डैमेज, निम्फ्स सक प्लांट सैप फ्रॉम लीव्स, causing inhibition of vegetative growth and abnormal openings of balls. Nymphs secrete honeydew on which the black molds grow, so that the leaves become black and quality of lint spoiled. Nymph leaf से plant sap suck करते हैं, जिससे plant की growth रुक जाती है और balls में opening बन जाती है. इसमें nymph हनी ड्यू सिक्रेट करते हैं, जिस पर मोल्ड ग्रो करते हैं और लीव्स ब्लैक हो जाती हैं और कॉटन की क्वालिटी खराब हो जाती है. स्प्रेइंग विद कार्बारिल, एंडोसल्फान, फेनिट्रोथियन, मेलाथियन, मेथिल डेमेटोन एंड फॉस्फामिडोन. कंट्रोल मेजर्स में इसमें कार्बारिल, एंडोसल्फान, फेनिट्रोथियन, मेलाथियन, मेथिल डेमेटोन और फॉस्फामिडोन का स्प्रे करते हैं. यूज ऑफ पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड माइक्रोब, और पैरासाइट, प्रीडेटर और माइक्रोब्स का यूज करते हैं. थैंक यू, दैट्स ऑल.